ओके। सो टुडे वी आर सॉल्विंग एन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो हम आज इंटरव्यू पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बताना कि अगर आपको सेम इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन वीडियो चाहिए तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोड समझ नहीं आता और आपको कोड समझना है इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में, तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो, वो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में लिखा है मैंने। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का फंक्शन समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, देन बात करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें आउटपुट में कोई इंटीजर वापस करना है। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमें आउटपुट में सिर्फ इंटीजर करना, वेक्टर नहीं करना। हमें दिया है वेक्टर जिसका नाम नम्स है और वो वेक्टर इंट स्टोर कर रहा है। ये तीन चीज़ तो हमें यहीं से पता चल गई, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यही है, नम्स है। आउटपुट में एक हम लोगों ने इंटीजर देना है और इसका जो है वो साइज हम लोग अभी, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अभी बताते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि एक वेक्टर दिया है, ये मैं अपना एग्जांपल लूंगा। तो एक यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ 2 1 5 -1। तो एक ये वेक्टर दे रखा है, तो अब इस वेक्टर का हमें सब एरेज देना है। सब एरे क्या होता है, सब एरे बेसिकली होता है इसके छोटे छोटे हम लोगों ने सब प्रॉब्लम्स बना लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 3 का बना लिया, 3 5 1, ठीक है, और यहाँ कर लिया 5 1 -1, ठीक है, और इसमें कर लिया मैंने 5 -1 3। तो अब इसको प्लस अगर करेंगे तो ये होगा 6 6 7 8 9, इससे 9 आएगा ऐड होके, 5 प्लस 3 प्लस 1 9, इससे क्या आएगा 6 6 में से -1 गया तो 5, और इसका जो सम आएगा वो आएगा 5 में से 1 गया 4, 5 6 7, ठीक है, 5 में से 1 गया 4 5 6 7। तो हमें ये रिटर्न करना है जो मैक्सिमम है। ओके, तो ये सब एरे, अब ये सब एरे किसे कहते हैं, सब एरे बेसिकली ये होता है, ये मेन एरे हो गया तो इसके ये सब एरेज हो गया। तो ये कह रहा है फाइंड मैक्सिमम सब एरे, और मैक्सिमम सब एरे में भी क्या, सब एरे नहीं आपको लौटाना है, आपको वैल्यू लौटानी है जो सब एरे से आ रही है। ओके, तो ये तीन चीजें पता चल गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कह रहे हैं कि जब भी सब एरे या कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जो थोड़ा लंबा लगे, या सब एरे इसका है जिसमें प्रॉब्लम्स को तोड़ दिया गया, तो आप अपना फंक्शन भी वैसा बना लो। अब इसके कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने उप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा या क्लासेस एंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप ऐसा समझो कि अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम या समथिंग समथिंग कोई भी, इंस्टाग्राम में यहाँ पोस्ट डालने को होता है या कमेंट होता है या लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए। जैसे यूट्यूब है, आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ नीचे कमेंट है या सब्सक्राइब करने के लिए है जो कि आप करोगे या कर लेना है। खैर, तो यहाँ लाइक कमेंट्स है। तो अब इसके जो कोड होते हैं, जो वीडियो के कोड होते हैं, वो अलग एक फंक्शन में लिखे रहते हैं। इसके जो कोड होते हैं सब्सक्राइब करने के, वो अलग एक फंक्शन में लिखे रहते हैं। कमेंट के जो कोड होते हैं वो एक अलग फंक्शन में लिखे रहते हैं। और फिर ये सब एक बड़े, मतलब छोटे 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 फंक्शंस आके फिर ये पूरा बनाता है। ये बड़े बेसिक सेंस में बता रहा हूँ मैं कि हमेशा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके अलग अलग फंक्शंस में इसलिए लिख लिया जाता है कि अगर बाय चांस लेट्स से किसी केस में कमेंट वाला जो है वो फंक्शन किसी भी केस में ऐसा हुआ कि ये रन नहीं कर रहा है, और अगर आपने सारा कोड एक ही जगह लिखा है और वहां पर कहीं पर इसमें एरर आ गया, तो पूरा ये जो है वीडियो सब्सक्राइब वाला वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सारे जो कोड है वो एक फंक्शन में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर कमेंट वाला जो कोड है उसमें कोई एरर आया और सारे फंक्शंस अलग अलग लिखे हुए हैं, तो होगा क्या कि ये वाला हम लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों है वो परफेक्टली काम करेंगे। तो ये फायदा होता है कि अगर आप अलग अलग फंक्शन बना के काम करो। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने जो इतना बताया, मैं करूँगा क्या कि मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम यही रख दूंगा मैं सेम, ठीक है। उसमें मैं करूँगा क्या कि मैं, क्योंकि मेरे को इसको, अब जैसे ये एरे मैंने जो बनाया था अपना 5 3 1 लेट्स से 2, ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि हम लेट्स से यहाँ कहते हैं कि मिडिल पॉइंट है कोई, और हम कहते हैं कि यहाँ से एक पॉइंटर यहाँ तक चलो, यहाँ साइज
जो भी है इसका, लेट्स से मैं यहाँ आर कह देता हूँ राइट साइड तक, ठीक है, और इसको मैं एम कह देता हूँ मिडिल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये है एम प्लस वन से आर तक, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक लूप यहाँ से चलाओ, ये कौन सा है, ये एम माइनस वन है क्योंकि मिडिल पॉइंट से माइनस वन से, और ये लेफ्ट साइड कर लेते हैं। तो अपन कह देते हैं एक लूप एम माइनस वन से एल तक चलाओ और एक एम एम प्लस वन से आर तक चलाओ। तो यहाँ की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो मैं कहीं स्टोर करूंगा, लेट्स से एमएल में कहीं स्टोर कर लूंगा, यहाँ की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहीं मैं स्टोर कर लूंगा एमआर में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ तीन नई चीजें, चार नई चीजें आई हैं। पहली चीज, हमें एक इंट एम बनाना है, और वो बनेगा कैसे, एल प्लस लेफ्ट साइड आर माइनस एल, तो हमें बीच वाले पोजिशन मिल जाएगी बाई टू। तो एल प्लस आर माइनस एल विच विल गिव अस दिस, उसमें से बाई टू जब करेंगे तो एम आ जाएगा। पहली चीज तो ये बनानी है। फिर हम ये कह सकते हैं कि इंट एम एल मैक्स लेफ्ट साइड का स्टोर करने के लिए एम आर, एक ये मिल गया अपने को, दो चीजें नहीं ये मिल गई जो हम फंक्शन में अपने यूज कर सकते हैं। तीसरी, हमें सम भी करना है। तो अगर जैसे ये लेट्स से वेक्टर नम है, नम आए की जो वैल्यू है उसको किसी में सम करके स्टोर कर सकते हैं, तो इसको किसी से सम करके इक्वल करना पड़ेगा। तो ये तभी तो देगा कि जैसे नम आई की वैल्यू 3 है, अब ये 3 हो गया, सम की वैल्यू 3 हो गई, तो अगर अब अगले में जाएगा तो 3 प्लस 5 होगा विच इज 6 7 8, तो ये होगा। तो हमें ये भी मिल गया कि हमें सम बनाना है। चलो, 1 2 3, तीन नई चीजें पता चले जो हम अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि हम लोग लूप चला रहे हैं, एक ये लूप एक ये लूप, तो ये चौथी चीज पता चल गई, ठीक है। तो हमें एम एल बनाना है, एम आर बनाना है, मैक्सिमम यहाँ का जो मैक्सिमम होगा वो स्टोर कर लेंगे जो फाइनल हम लोग रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम इसमें काम नहीं करेंगे, हम अलग से एक फंक्शन बनाएंगे जो सारा काम करेगा, और सारा काम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे रिटर्न कर देगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। और फिर उस फंक्शन को हम लोग यहाँ कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि हमने एक कोड यहाँ बना दिया जो एक काम कर रहा है, और एक बड़ा कोड यहाँ लिखा हुआ है। अब इस कोड की वैल्यू जैसे 10 आ गई है, और ये कोड कह रहा है कि हमको लेट्स से यहाँ पर 5 माइनस इनटू 6 का पूरा कोड यहाँ लिखा है, और हमें सम वाला कोड हमने अलग से यहाँ लिख दिया, तो हम जो भी होगा यहाँ सम कर देंगे। अगर हम उस फंक्शन को उस फंक्शन में कॉल करेंगे तो यहाँ सम कर देंगे। अगर ये फंक्शन माइनस इनटू प्लस का लिखा है तो हमने ये प्लस का अलग से कोड लिख लिया, इनटू का अलग से लिख लिया, माइनस का अलग से लिख लिया, और फिर लाके सबको यहाँ जोड़ दिया कि भैया ये आ गई सम की वैल्यू, उधर से ये आ रही थी, माइनस की वैल्यू उधर से ये आ रही थी, इनटू की वैल्यू उधर से ये आ रही थी। तो फंक्शन कॉलिंग ये होता है। खैर, तो इतनी चीजें हमें पता चल गई हैं, तो वो पहले कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, क्योंकि अभी मैं इसको प्राइवेट फंक्शन रखूंगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो पब्लिक लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इस पब्लिक का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये कहीं से भी क्लास, जैसे ये क्लास है, कोई क्लास एक तरीके का कंटेनर होता है, ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लिखे रहते हैं उस क्लास में, ठीक है। अब अगर मैंने इस को पब्लिक कर दिया तो ये क्लास में कहीं पर भी यूज हो सकता है, इस फंक्शन में भी यूज कर लिया, इस फंक्शन में भी यूज कर लिया, ये वाला फंक्शन इसमें भी यूज कर लिया। लेकिन अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दे तो प्राइवेट वाले जो फंक्शन होते हैं वो उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं। अब ये इस फंक्शन में कॉल नहीं हो सकता, या ए इस फंक्शन में नहीं जा सकता, या ए इस फंक्शन में नहीं जा सकता। तो हमारा जो फंक्शन यहां मैं लिखूंगा वो तो पब्लिक, जो मेन फंक्शन रहेगा वो पब्लिक रहेगा, कोड एक ही रहेगा उसका, लेकिन उसमें एक प्राइवेट पार्ट रहेगा, पी आर ए वी, प्राइवेट की स्पेलिंग क्यों भूल रहा हूँ मैं यार, पी आर ए वी ए टी। तो ये वाला जो फंक्शन है वो तो रहेगा रहेगा, प्राइवेट वाला फंक्शन सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। अगर ये कोड लेके मैं किसी दूसरे क्लास में यूज करूंगा और दूसरे फंक्शन से बुलाने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं आएगा, तो मेरा जो फंक्शन रहेगा वो प्राइवेट रहेगा, ताकि वो उसी कोड, जो कोड मैं लिख रहा हूँ उसी में यूज हो सके, बाय चांस कोई दूसरे उस क्लास के दूसरे फंक्शन में कॉलिंग हो रही है तो ना रहे उसमें। थोड़ा उप्स वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया, थोड़ा उप्स कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन ठीक है कोई।
जितना जानो उतना अच्छा। खैर पहले से प्राइवेट यहाँ कर दिया और मैंने कह दिया 1 2 3 4, हमारा भी जो होगा वो इंट होगा, हमने सेम उसी नाम से देना, मैक्स सब अरे। अब हमारे में वही हम जो हम लोगों को दिया क्योंकि उस पर काम ही करना, नम्स पे काम करना है, तो हम यहाँ नम्स बुलाएंगे, लेकिन हमने कहा था कि एक एल होगा एक आर होगा, तो एक एल और एक आर भी बनाएंगे, हम कहेंगे इंट एल और एक हम कहेंगे इंट आर। तो ये तीन चीजें हमारा फंक्शन लेगा, एक लेफ्ट लेगा एक राइट लेगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि अगर क्योंकि लेफ्ट से बड़ा राइट से बड़ा लेफ्ट हो नहीं सकता, तो इंट अगर लेफ्ट से बड़ा राइट है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में रिटर्न इंट मेन इंट मेन। तो इसके पीछे एक पूरा रीजन है कि इंट मिन बुलाने पे मैक्सिमम वैल्यू क्यों आती है और मैक्स इंट मैक्स बुलाने पे मिनिमम वैल्यू क्यों आती है, स्टैक्स को यूज करके उसके एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है कि इंट मिन बुलाने पे मैक्सिमम वैल्यू क्यों आती है। तो अगर एल ग्रेटर देन आर हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले तो हमें पहले इंट मिन इंट एम चाहिए जो मिड पॉइंट है हमारा, तो मिड पॉइंट जो है वो एल प्लस आर माइनस एल बाई टू है, और इसी में हम कह देंगे कि हमें एम एल जो है जो मैक्सिमम लेफ्ट का लेगा वो जीरो रहेगा और जो मैक्स राइट वाला है वो भी जीरो रहेगा। तो ये शॉर्ट हैंड है, हम यही सेम चीज ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ इंट मेन कर दिया तो इसी सेम चीज को ऐसे कर सकते हैं, इंट एम एल इज इक्वल टू जीरो इंट एम आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये अलग अलग लिखा है मैंने, लेकिन उसी में अगर हमें लिखना है एक लाइन में, हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि एक बार इंट डिफाइन कर दिया तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये भी इंटीजर टाइप का है, ये भी इंटीजर टाइप का है, ये भी इंटीजर टाइप का। तो ये हो गया। अब हम हर बार अगर हमें लेफ्ट चाहिए तो हम हर बार उस फंक्शन को लेफ्ट पे कॉल करेंगे। जैसे अगर हमें ये हमारा कोई वेक्टर है और यहाँ पर मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ लूप हो रहा है, यहाँ से यहाँ लूप हो रहा है, तो हम एक हर बार इस पे बुलाएंगे फंक्शन को अपने और हर बार इस पे बुलाएंगे फंक्शन को अपने, ताकि यहाँ से यहाँ रन हो इसका सम मिले हमें, यहाँ से यहाँ रन हो इसका सम मिले। तो हर बार ये मैक्स सब एरे वाला फंक्शन इसमें m माइनस वन से l की तरफ जाएगा और हर बार जो i की है वो माइनस होगा, ये इंट i जो है पॉइंटर है वो m माइनस वन से चालू होगा और l तक जाएगा और माइनस होगा, और राइट के लिए हम m प्लस वन से चालू करेंगे वो r तक जाएगा और हर बार पॉइंटर i प्लस प्लस होगा। तो ये अलग से काम करेगा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन अलग से काम करेगा ये, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ लेफ्ट मोस्ट पोजीशन मांग रहा है और राइट मोस्ट पोजीशन मांग रहा है, तो जो सब एरे बनाया हमने ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, इसकी जो राइट मोस्ट पोजीशन है वो एम प्लस एम माइनस वन है और लेफ्ट मोस्ट एल है, और इसी के राइट वाले की जो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है वो एम प्लस वन है और ये राइट है, हम इसको इन दोनों में ब्रेक करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मतलब एक लूप जो है वो लेफ्ट को संभालेगा, दूसरा राइट मोस्ट को संभालेगा बड़े वाले उसके लिए वेक्टर के लिए। तो और हमें एक सम भी चाहिए जो सम डिस्कस किया था हमने, तो लेट्स से फॉर ये लेफ्ट मोस्ट के लिए कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट वाले इस लेफ्ट वाले के लिए कर रहे हैं, ये राइट वाला है ये बीच में मिड है, तो ये लेफ्ट वाले के लिए हम m माइनस वन से l तक जाएंगे, यहाँ से m प्लस वन से r तक जाएंगे, इसको जो मैक्स सब एरे वो लेफ्ट के लिए एक के लिए काम करेगा और मैक्स सब एरे एक राइट के लिए काम करेगा। तो हम कहते रहे इंट इंट i जो है वो चालू होगा m माइनस वन से और हम यहीं पर सम भी डिक्लेयर कर देना, सेम इंट सम इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर सम डिक्लेयर कर देते हैं लूप में, क्योंकि ये हर बार जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो प्लस करेगा,
प्लस करते हुए जाएगा, और ये हो गया। और नहीं, अपन लूप अभी क्यों लिख रहा है, पहले तो ये डिक्लेयर कर देना कि होना क्या है। तो इंट ML, ये मैक्स, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो स्टोर करेगा, और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो स्टोर करेगा। ये तो ये आएगी कैसे, ये आएगी मैक्स सब एरे, मैक्स सब एरे कॉल होगा, और मैक्स सब एरे लेगा क्या, नम्स लेगा, एल लेगा, और लेफ्ट पार्ट के लिए m-1 तक जाएगा, m-1 m-1 तक जाएगा। तो अगर आप देखो हमारी फंक्शन डेफिनेशन, नम्स ले रहा है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट ले रहा है यहाँ पर, और राइट मोस्ट पार्ट ले रहा है, तो हमारे लेफ्ट वाले सब एरे के लिए राइट मोस्ट पार्ट m-1 है। अब राइट मोस्ट के लिए कहते हैं क्या है कि मैक्स इंट एल मैक्स डाल दें क्या, ml तो कर रहा है ना शायद, एल मैक्स, ये आर मैक्स कर देते हैं, और ये कहेंगे मैक्स सब अरे, तो नम्स लेगा, और राइट मोस्ट पार्ट के लिए लेफ्ट वाला जो सेक्शन है वो m+1 है, और वो जाएगा आर तक। अब इसमें कैसे वैल्यूज आएंगे वो बताऊंगा मैं, ये आर और एल की वैल्यू कैसे आएंगी, क्योंकि ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ये आर कैसे है, इसको कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, एल कैसे है, इसको कहीं डिक्लेयर नहीं किया लेकिन यूज करे जा रहे हैं, या डिक्लेयर किया है लेकिन वैल्यू कैसे आएगी वो बताओ। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट और राइट का हो गया, अब ये काम कैसे करेगा फॉर लेफ्ट पार्ट के लिए, फॉर इंट आई जो है वो लेफ्ट पार्ट के लिए चालू होगा m-1 से, सम लेगा 0, तो उसमें प्लस करना है, फिर ये जाएगा आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तक, एल तक, 0 क्या, लेफ्ट तक जाएगा, और हर बार माइनस होगा, हर बार माइनस होगा तो आई माइनस माइनस, और ये करेगा क्या इसमें, ये कुछ नहीं करेगा, ये करेगा सम को प्लस करेगा नम्स आई से जो वैल्यू है, तो नम आई की वैल्यू, तो नम आई की जो वैल्यू इधर की है, लेट्स से ये हमारा मिड पॉइंट है, तो 4+ इज इक्वल टू 0, तो 4+0 इज इक्वल टू 4, तो सम की वैल्यू 0 आ जाए, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम करेगा, अब ऐसे करता रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू लेगा, तो एम एल जो हम लोगों ने मैक्स वैल्यू स्टोर करने के लिए ली थी, मैक्स वैल्यू स्टोर कराने के लिए, तो हम कहेंगे मैक्स, ठीक है, एम एल और सम में कंपेयर करो, तो पहले ML की वैल्यू 0 रहेगी, फिर ML की वैल्यू बढ़ती रहेगी इटरेशन के थ्रू, तो सम और ML में कंपेयर करो, तो जो बड़ा आएगा वो हमारी ML वैल्यू रहेगी। अब राइट के लिए करते हैं, तो फॉर इंट आई राइट चालू होगा m+1 से, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ सम वो यहाँ पर भी कर देते हैं 0, अब क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए वो जाएगा आर तक, i++ होगा, तो आई जो है वो लेस देन इक्वल टू आर होगा, और i++ आर तक जाएगा, और फिर वही सेम सम प्लस इज इक्वल्स टू नम आई, और एम आर जो है वो मैक्स वैल्यू स्टोर करेगा, तो मैक्स सम एम आर, तो ये मैक्स ML MR इधर से आ जाएंगे। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कंपेयर करना है ML और MR को, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वो लेनी है, और एक चीज और देखनी कि ML+MR+M की जो मिड वैल्यू है वो जो है वो मैक्सिमम ऑफ ML MR के बराबर है या बड़ी है, तो उसमें से जो सबसे बड़ी होगी वो रिटर्न करना, तो ये लूप से बाहर आएंगे, तो अपन कहेंगे कि रिटर्न रिटर्न, अब यहाँ मैक्स लगाएंगे, मैक्स किसका, तो हम पहले कंपेयर करें ML और MR में से कौन बड़ा। ठीक, मैक्स ML MR, तो ये मैक्सिमम दे देगा ML और MR में से, जैसे MR की वैल्यू अगर 5 आई है
और ML की 9 आई है, तो ये 9 दे देगा यहाँ पर। लेकिन हमें एक चीज़ और अकाउंट में लेनी है कि ML प्लस MR प्लस M, नम एम की जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी है एम एल और एम आर के मैक्स से, तो वो रिटर्न करनी है नम एम। तो ये करेगा क्या कि इन दोनों में से जो आया है उसकी वैल्यू यहाँ लेगा और इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लेगा, और इनमें से जो मैक्सिमम रहेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, वो रिटर्न करेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज जा कैसे रही हैं, तो अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उसे मेन फंक्शन में जाओ और वैल्यू प्रोवाइड कर दो। तो हम बस यहाँ पर यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो रिटर्न हमारा जो मैक्स सब एरे का फंक्शन है वो ले कह रहा है, वो ले रहा है नम्स ले रहा है। हमने वैल्यू फिल की इसके लिए, जो हमारी फिर एल की जो वैल्यू इनिशियली है यहाँ से वो 0 है, और आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी नम्स डॉट साइज -1। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये हमने अपनी वैल्यूज यहाँ डाल दिए। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन में नम्स यहाँ से आ रहा है, हमारी एल जो है वो 0 से चालू होगी और जो आर है वो नम साइज -1 है, और ये यहाँ पर पूरा अपना जो भी है काम करेगा। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये वाली, वो यहाँ रिटर्न कर देगा। तो ये हो रहा है, तो अब इसको रन करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ क्या आ रहा है, ओके ये इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस के आगे बढ़ रहा है। ओके ना, एज यू कैन सी हो गया, लाइक हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए एंड रन टाइम 0 मिलीसेकंड्स है। और हुआ क्या है कि हमारा एक एम एल एम आर चला है, एम एल ने लेफ्ट साइड का मैक्स लिया है, एम आर का राइट साइड का मैक्स लिया है, कंपेयर किया है एंड फिर वो वैल्यू वापस भेज दिए। तो ये है, बाकी अगर आपको इस कोड के बारे में पढ़ना है तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा नीचे, अगर इंग्लिश वर्जन इस वीडियो को देखना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा नीचे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।